सामान्य ज्ञान की इस धमाकेदार श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आपको बता दें हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पर सामान्य परिचय, भारतीय जनगणना, पड़ोसी देश, अंतरिक्ष मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें प्रीवियस वीडियो में तीन वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज जो है हम गांधी युग से जो है प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। गांधी युग इसके बाद और उसके बाद प्रमाण कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएँ, पर्वत पठार और मैदान, जलवायु नदियाँ, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, कृषि पशुपालन, भारत में प्रथम महिला व पुरुष व प्रथम पुस्तकें और उसके साथ साथ बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। तो प्यारे साथियों और देखिए और भी कई टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे, तो प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज के सेशन का पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा गांधी युग। गांधी युग से कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न आते ही आते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको इनको वाच करना है। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। देखिए पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के किस गांव प्रांत में, पोरबंदर प्रांत में हुआ था। अब इनके माता पिता तथा पत्नी का नाम, माता का नाम क्या था तो बताएं पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद, जबकि पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। तीनों नाम देखे, एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन दिख गए आपको। अब वहीं पर बात करते हैं, गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे तो आप बताएं गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इनके राजनीतिक गुरु थे लेकिन प्रभावित किससे थे, लियो टॉलस्टॉय से भी प्रभावित थे। वहीं पर गांधी जी 1906 में कहाँ से सत्याग्रह के, दक्षिण अफ्रीका से पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था। अब वहीं पर कहा जाए कि भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, नील विद्रोह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किया था। और वहीं पर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहकर, सॉरी सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने जो है महात्मा, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको राष्ट्रपिता, देखिए महात्मा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर पुकारा था। गांधी जी खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट के विरोध में 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन जो है इसके विरोध में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, गांधी जी खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग तथा रॉयल एक्ट, ये तो बात हो चुका। 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से दुखी होकर किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था तो पता है असहयोग आंदोलन जो है, जबकि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, 5 फरवरी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, ये चीज़ें डेट याद कर लेना है। और ये आंदोलन कब स्थगित हुआ तो 11 फरवरी को। अब बात करें जलियांवाला बाग जो है कांड, 13 अप्रैल 1919 को विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी तो केसर हिंद की उपाधि जो गांधी जी ने लौटा दिया था, जबकि 1924 में एकमात्र वह जो है बेलगांव अधिवेशन के जो है अध्यक्ष बने थे, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। और वहीं पर बात करते हैं 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा करने के बाद नमक कानून तोड़कर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया था। क्या, नमक कानून तोड़ने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। वहीं पर बात करें 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त किया था तो आप बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किसकी स्थापना किया था, साबरमती आश्रम की जो है स्थापना किया था। उन पर गांधी इरविन समझौता कब हुआ तो बताएं 5 मार्च जो है 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब बात करते हैं 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स किसन को पोस्ट डेटेड का चेक कहा था। अब बात करते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था तो उत्तर बताएंगे करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने दिया था। अब करो ये भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। 1931 को लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नेतृत्व किया था तो कांग्रेस का नेतृत्व किया था द्वितीय में, और प्रथम तथा तृतीय में गांधी जी गए ही नहीं। अब बात करते हैं गांधी जी की हत्या कब की गई, 30 जनवरी 1948 को नाथोराम गोडसे प्रार्थना के समय इन्होंने किया था। गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता था तो राजघाट कहलाता था। किसने अर्धनंगा फकीर कहा था, विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। तो ये गांधी जी से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। अब हम गांधी युग के बाद जो है परमाणु कार्यक्रम से क्वेश्चन देखने वाले, बने रहें प्यारे साथियों।
देखिए क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 10 अगस्त 1948 को, इसके प्रथम अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुए। हमें भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। जबकि परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई, तो अगस्त 1954 में हुई थी परमाणु ऊर्जा की स्थापना। वहीं भारतीय नाभिकीय निगम NPCIL की स्थापना जो है परमाणु ऊर्जा नियामक की 1987 में, जबकि बात करें बोर्ड की स्थापना जो है 1983 में हुआ था। दोनों में आपको याद करके ना, विश्व का परमाणु पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर, तो विश्व में सबसे पहले परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित हुआ। जबकि देश का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर, तो अप्सरा था, 4 अगस्त 1956 में स्थापित हुआ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है 18 मई 1974 को पोखरण में, लेकिन सफल परीक्षण 99 में हुआ था, ये चीज़ याद करके रखना है। प्रथम आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था, कोस्टोड्रोम नाम से प्रक्षेपित किया गया था। अब बात करते हैं प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह INSAT-2A को जो है जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। अब वहीं पर बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कहाँ, और जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था, 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे मुंबई में जो है स्थापित हुआ बार्क। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कल्पक्कम चेन्नई में स्थापित हुआ। अब बात करते हैं भारत साधारण जल की विद्युत अपघटन के प्राप्त D2O एंडिटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने किया, तो HC यूरो यानी यूरे तथा वासबोर्न ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना पहली बार जो है कहाँ हुई थी, तो नांगल पंजाब में 1961 में हुआ था। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर, तो खड़गवा साला जो है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1987 में दार्जिलिंग में किया गया था। प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ, दार्जिलिंग में। भारत में भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चोखा किस नदी किनारे है, तो चोखा जो है वांगचू नदी किनारे है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र क्या, परमाणु केंद्र कहाँ बताओगे, तो आप बताओ तारापुर में है। तारापुर जो है विद्युत घर कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। 1972 में इसका निर्माण किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत कहाँ अवस्थित है, तो आप बताएंगे रावत भाटा में। निर्माण कब, 1972 में। रावत भाटा कहाँ पर, तो रावत भाटा राजस्थान में। नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थापित हुआ, तो आप बताएंगे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कब, 1991 में स्थापित हुआ। काकरा पार आप बताएंगे विद्युत पार, तो ये गुजरात के सूरत में है और निर्माण 1993 में हुआ था। जबकि बात करते हैं रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए हमने 23 क्वेश्चन जो है परमाणु कार्यक्रम से संबंधित देख लिया है। अब भारतीय पंचवर्षीय और संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल, 100 भी शामिल किए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही शामिल किए गए हैं। बात करते हैं पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व जो होता है केंद्र तथा राज्य दोनों का होता है। ये केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए योजनाएं बनाती है। वहीं पर योजना आयोग का अंतिम स्वीकृति का अनुमोदन कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। पहली योजना 1951-56 में कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये जो हेराल्ड रोमन मॉडल पर थी, किस मॉडल, जबकि द्वितीय जो है किस पर था, PC महानंदोगी से, जबकि तीव्र औद्योगिकरण पर इसमें बल दिया गया। पहले पर कृषि, दूसरा जो है औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना आपको बता दें 1956-61 के बीच चली थी, ये जो है इसमें कौन कौन सी भारत में क्या क्या, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इन सब इस्पात कारखानों का स्थापना। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, आप बता दें भिलाई जो है आप बताएंगे रूस सहयोग से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। तीसरी पंचवर्षीय किस मॉडल पर थी, जान सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर जो है स्थापित की गई थी। सर्वाधिक असफल योजना जो है तृतीय योजना को माना जाता है, मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाक युद्ध साथ साथ जो है भयंकर सूखा, तीन कारण थे। पहला भारत चीन युद्ध 1962, फिर 65 में भारत पाक युद्ध, और दूसरा तीसरा रीजन क्या था, भयंकर सूखा पड़ गया था, इस कारण से योजना पूरी तरह असफल रही। वार्षिक योजना जो 1966-69 के दौरान जो है हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल को प्रभावित किया था, तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था। कौन सी योजना को आर गाडगिल योजना भी कहा जाता है, चतुर्थ योजना को आर गाडगिल या सुरक्षा पर बल दिया गया था इसमें। और पांचवी
पांचवी योजना जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था 1978 में समाप्त हो गया। डीपी धर 80 में समाप्त होना था लेकिन जो है समाप्त हो गया, कब 80 में समाप्त कर दिया डीपी धर मॉडल पर। अब बात करते हैं पांचवी योजना चलाई गई थी गरीबी हटाओ और काम के बदले योजना, अनाज योजना जो है पांचवी के तहत जो है गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई थी। पांचवी योजना किस जो है जनता पार्टी की सरकार की योजना चलाया गया था, अनवरत रोलिंग पार्टी योजना जो है पांचवी जो 80 में ख़त्म कर दी, जो 2 साल बचे थे उस 2 साल में जो है अनवरत योजनाएँ चलाई गई थी। अनवरत 78 से 80, इसके जनक जो है गुनार बिल्डर था, प्रणेता जो है रेगनर फ्रिस थे, गुनार बिल्डर था थे और क्या नाम रेगनर फ्रिस थे। आप बताएं कि 1978 से 80 यानी 2 साल तक चला था ये। अब बात करते हैं IRDP, NREP, TRISEM, द्वारका, RLP ये योजना चलाए गए थे। तो बताओ छठी पंचवर्षीय योजना में ये विकास योजनाएं थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 में प्रारंभ किया गया था, जो सर्वाधिक किस फसल आठवीं सफल योजना के अंतर्गत चलाया गया था। नवीं योजना का लक्ष्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास होता था। न्याय देखो नवीं और न्यायपूर्ण आप इजीली याद कर सकते हैं। दसवीं योजना जो है सन 2002 से 2007, जबकि 11वीं योजना 7 से 12, जबकि 13वीं जो है 12वीं योजना के बाद जो है उसको 12वीं योजना बाद में स्थगित कर दी गई। उसके बाद कौन सा नीति आयोग आ गया था योजना आयोग के जगह पर। देखिए 17 तक विकास दर कितनी 8% निर्धारित की गई थी, अब जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा देखो भारत में पर्वत पठार और जलवायु के बारे में देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड भी हम जो है कितने क्वेश्चन 126 क्वेश्चन देखने वाले, बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। पहला ही कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, हिमालय की लंबाई कितनी है आप बताएंगे 2500 किलोमीटर, जबकि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो आप बताएंगे प्राचीन तेथी सागर के निक्षेपों से हुआ। ये वेगनर के सिद्धांत से आपने सुना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, हिमालय एक नवीन वरित पर्वत है जिसको सबसे उत्तरी तथा सबसे ऊँची चोटी कौन सी, तो हिमाद्री है। अब बात करते हैं नवीन वरित पर्वत है जिसकी उत्तरी और सबसे ऊँची श्रेणी कौन सी, तो हिमाद्री है। अब बात करें 3 श्रेणियाँ हैं इसमें, भारत में प्रमुख दर्रे तथा सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है ये किसका पार्ट है, तो हिमाद्री का पार्ट है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आप बताओ, नेपाल में है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप बताइए, देखिए 88-48, लेकिन कहीं कहीं अब जो है 88-50 आपको मिलेगा क्योंकि ये नवीन पर्वत अभी भी बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट का को जो है नेपाल में जो है सागरमाथा, जबकि तिब्बत में कोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा में कोमो लिखा है चोमोलुंगमा कहा जाता है, दोनों नाम याद कर लेना। नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय को पाद प्रदेश को क्या कहते हैं, शिवालिक, यानी निचले वाले को शिवालिक कहा जाता है, ऊपर वाले को हिमाद्री कहा जाता है, पिछड़े शायद। अब बात करें भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है, ये अरावली का अवशिष्ट पर्वत है, मतलब नाम मात्र का बचा हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो राजस्थान में हैं। अब वहीं पर बात करते हैं अरावली की पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से जो है लूनी नदी निकलती है, अरावली से ही लूनी तथा बनास दोनों नदियाँ निकलती हैं। देखिए बनास किधर से, पूर्व से, और पश्चिम से लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती, कच्छ के रण में, आपको बता दें। इसे नमकीन नदी के नाम से भी जाना जाता, नमक वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। अब वहीं पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दरे कहाँ हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत हैं जिसका नाम सह्याद्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, अब बात देखिए पाल घाट कहाँ पर, तो केरल में, जबकि भोर घाट और थाल घाट कहाँ, महाराष्ट्र में, दोनों याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को क्या कहा जाता है, तो कन्याकुमारी से जो है कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल, देखिए काका दिख रहा है तो कोरोमंडल आपको याद कर लेना, काका, देखिए का से कन्याकुमारी, का से कृष्णा, का से कोरोमंडल। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र तथा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोंकण तट या मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहीं कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित, तो कोडाई कनाल जो है पहाड़ी पर, पालनी पहाड़ी पर स्थित, किस पे, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। जबकि नीलगिरी, देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही हम शामिल कर ले रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन की विशेष जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर जो
है स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो आप बताएं दोदा बेटा क्या है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो अनायमुड़ी क्या है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और वहीं अनायमुड़ी कहाँ पर स्थित, अनायमुड़ी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, सबसे बड़ा पठार आप भारत का बताएंगे दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। अब वहीं पर बात करते हैं माहिम तट जो है दक्कन पठार कहाँ स्थित, तो मतलब महाराष्ट्र में है, माहिम दक्कन पठार का ही पार्ट है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। मालवा पठार कहाँ स्थित, तो अरावली दक्षिण तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट पर्वत पर है। जबकि नर्मदा तथा ताप्ती सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी, धूपगढ़ है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है, तो मेघालय के राज्य में है। कहाँ, मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी पर तट पर है। जबकि भारत का सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है, तो हुगली नदी है। जबकि भारत का विशाल मैदान जो है निर्माण नदियों के बहा कर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। वहीं पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या है, पेडी प्लेन कहा जाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। जबकि गंगा लंबी नदी गंगा है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है। जब निकलती है तो इसका नाम भागीरथी होता है। वास्तव में देव प्रयाग तथा भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा को ही गंगा कहा गया है। गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी है, तो आप बताओ यमुना जो है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी, तो बैगई नदी क्या है सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। भारत की दक्षिणतम नदी कहेंगे तो बैगई नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना कहा, देखे गंगा को क्या बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। दोनों याद करके रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा तथा जब ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती तो इसका नाम मेघना हो जाता है। जिसकी सहायक नदी क्या है, तो बराक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, कहाँ पर, मंजुली में स्थित है, मंजुली द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, कहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा जिसे कहते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है नदी द्वारा निर्मित, तो आप बताओगे, और कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप बनाती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश सियांग तथा असम में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखो ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो अरुणाचल प्रदेश में, और सियांग जो है असम में, तिब्बत में जो है सांगपो अरुणाचल प्रदेश सियांग, जबकि असम में इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। तीनों नाम में बात करना है, फिर से देखो तिब्बत में सांगपो अरुणाचल प्रदेश में सियांग और कहते हैं दिहांग कहाँ पर, तो आप बताओ कि असम में। कावेरी नदी कहलाती है, तो दक्षिण की गंगा कहलाती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आप बताओगे गोदावरी, उसके बाद और दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, कृष्णा। सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताओगे या दक्षिण भारत की, तो गोदावरी दूसरे नंबर की कौन सा, कृष्णा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, देखो अभी आपने देखा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, यहाँ पर मिला होगा आपको दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जो कि दक्षिण गंगा जो है किसे कहते हैं, तो आप बताओगे गोदावरी को, या बूढ़ी गंगा भी इसी को कहते हैं, या वृद्ध गंगा कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद या जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है, तो आप बताओ डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति कैसे होती है, तो डेल्टा की आकृति आप बताएंगे त्रिभुजाकार होती है। कैसी आप बताएं, त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो क्या बनाती है, मुहाने को एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक में है। जबकि नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ पर बहती है, तो उत्तर बताएंगे मध्य प्रदेश में। नदी के द्वारा लाए जाने वाले काट छांट किया गया पर्दन तथा उसके जमा करने को क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी, तो नर्मदा नदी क्या है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। जबकि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कहाँ किस का है, तो गंगा का है सबसे बड़ा नदी बेसिन। असम का शोक किसे कहते हैं, तो असम का शोक आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। जबकि बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन आप बताएं पेडोलॉजी। जबकि झीलों का अध्ययन क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। देखिए इसमें 120 प्लस क्वेश्चन है, इसमें अभी भी और मिलने वाले। चट्टानों का अध्ययन क्या कहते हैं, तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ तथा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी, तो जड़ोड़ या दोमट मिट्टी है।
पुराने जड़ोर मिट्टी को क्या कहा जाता है बांगर, जबकि नए जड़ोर मिट्टी को क्या कहा जाता है खादर कहा जाता है। देखिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है तो बताओ महाराष्ट्र राज्य में है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है लाल मिट्टी जो है लाल होता है। चाय खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है तो लैटराइट मिट्टी है, जबकि भारत में जलवायु कैसी उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब भारत में मानसून का आगमन कब होता है तो जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून के मध्य होता है। रबी की फसल कब बोई जाती है तो अक्टूबर तथा नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है तो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। बोई कब जाती है तो जून जुलाई में बोई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यही खरीफ का धान का फसल ही खरीफ का फसल है। गेहूँ जौ मटर चना आलू राई गन्ना तिलहन ज्वार बाजरा मक्का ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह का है कहाँ पर तो अरब सागर में है लक्षद्वीप, जबकि लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल यानी कोरल का बना हुआ है। बिल्लौर तट जो है हरिकोटा प्रवाल द्वीप है, जबकि आपको बता दें लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कवरत्ती है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना 36 है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो बताओ अड्रोट्रा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह सबसे छोटा द्वीप कौन सा है तो बिट्रा द्वीप है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो मलयालम भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी तो ज्वालामुखी स्थित है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है पोर्ट ब्लेयर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको और क्या कहा जाता है मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इन दूसरा नाम क्या है अंडमान द्वीप तो आप बताओ मरकत या एमराल्ड द्वीप है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखिए याद करके रखना पैर सकते हो दक्कन दर्रा कहाँ पर तो दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच क्या है तो दक्कन दर्रा है, दक्कन पास जिसे कहते हो। अंडमान द्वीप की मूल निवासी जो है औंग है। निकोबार द्वीप समूह की निवासी क्या है तो सोमपेन है, सोमपेन जनजाति के लोग हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित तो बैरन द्वीप जो अंडमान के पूर्वी भाग में है। ज्वाला द्वीप कहाँ पर है ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर है तो नारकोंडम उत्तरी अंडमान जो है ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है। आदम ब्रिज कहाँ पर तो तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज या आदम या राम का ब्रिज राम के द्वारा जो बनाया गया ब्रिज था वही है। न्यूमीर द्वीप कहाँ पर स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर स्थित है। अब वहीं पर बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है जम्मू बनिहाल का पेर पंचाल सुरंग है। अब बात करते हैं अंग्रेजों के समय की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी तो अब बताओ शिमला थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा तो अब बताएं जम्मू कश्मीर है। सेब उत्पादन में सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है भागीरथी 2006 में निर्माण पूरा हुआ। अब बात करें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा तो हीराकुंड बांध ये उड़ीसा, इसका 1956 में निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ पर तो कुरुक्षेत्र आप जानते हैं महाभारत युद्ध वाला। प्लासी जो है कहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जो आप बात करते हैं। नेक्स्ट हल्दी घाटी का भूमि का संबंध किस राज्य से हल्दी घाटी कहाँ पर तो राजस्थान में, जबकि वह कौन सा राज्य जो सभी गांवों को बिजली पहुँचाई तो हरियाणा जो है हर घर बिजली का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लागू हो गया, हर जगह बिजली पहुँच चुकी है। वैसे पूरे भारत उत्तर प्रदेश में भी हो गया है। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं पानीपत को, जबकि भारत के उन्हीं वस्त्रों की पहली मिल कहाँ पर तो कानपुर में स्थापित हुई तो 1876 में। फूलों की घाटी किसे कहते हैं चमोली उत्तराखंड में स्थित है, जबकि जिम कार्गेट नेशनल पार्क कहाँ तो बताओ उत्तराखंड में। और हुंडलू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है कहाँ झारखंड में। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया तो 1 अप्रैल 1936 में किया गया था। बिहार और बंगाल से कब अलग हुआ तो 1912 में। और वहीं पर बात करें भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है कब तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित होता सूती वस्त्र के लिए। भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है रानीकोट तमिलनाडु में, जबकि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ पर लखनऊ में 1879 में। पहला दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ पर तो अहमदाबाद में 1921 में स्थापित हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ सकते हो, बने रहें।
सबसे अधिक जूट व पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में, पटसन पास से पश्चिम बंगाल आप याद कर लेना है और जूट वैसे भी याद रहेगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ, देहरादून में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, तो कोयम्बटूर में है। पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चुराव गोवा में है। देखिए दोनों अनुसंधान ये क्या है, पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ से पूछा जाए, तो आप बताओ कोयम्बटूर में। जबकि पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी छोटे होते हो गोवा भी छोटा ऐसे याद कर लीजिएगा, तो चुराव में है। अब नेक्स्ट है, कपास के मूंगफली उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा, तो गुजरात है। जबकि प्रथम जल प्रदूषण 1902 में निर्मित हुआ था शिव समुद्रम तमिलनाडु की कावेरी नदी पर। प्रथम परमाणु विस्फोट जो है 18 मई 1974 में। नेक्स्ट है, नागौर के मकराना क्षेत्र में भारत को उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन का उत्पादन में कौन सा, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ पर, तो रायसेन जिला जो है मध्य प्रदेश में है, खजुराहो प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। जबकि नंदन कानन उद्यान कहाँ पर, तो होता है उड़ीसा में नंदन कानन है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा, तो एलोरा का गुफा मंदिर है। अब वहीं पर बात, भारत का सरकार का कार्यालय ईमेल प्रचार पहली बार कहाँ पर, तो गोवा में हुआ था। ईमेल का प्रारंभ कहाँ हुआ, भारत में कृत्रिम भू उपग्रह जो है श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से छोड़े जाते हैं। देखिए पर्वत पहाड़ मैदान मिट्टी जलवायु से क्वेश्चन 126 क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब यहाँ पर आप देखने वाले क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितने क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं, इसमें लगभग 84 क्वेश्चन मिलने वाले, बने रहे हमारे साथ। अब ये क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान हम नेक्स्ट वीडियो में देखो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए 26 मिनट का वीडियो हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।